गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 कराने जा रहा हूँ, जिसमें है कि हमने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके किसी भी इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को, ये जो पांच पार्ट दिए हैं इनसे डिवाइड करके उसका रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, स्टेटमेंट है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1 इज़ डिवाइडेड बाई, ये फाइव नंबर है, फाइव इक्वेशन है। फर्स्ट एक्स प्लस वन, सेकेंड एक्स माइनस 1/2, थर्ड एक्स, फोर्थ एक्स प्लस पाई, फिफ्थ 5 + 2x। इन सभी के साथ इसको डिवाइड करके देखना और रिमाइंडर पता करना है रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली। तो बेटा उसमें क्या करना होता है कि ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसको हमने पी एक्स अज्यूम कर लेना है। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1 इज, ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन वन। अब हम फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करेंगे इसको, तो जो भी पार्ट से करना है वो ले लें। जैसे जे एक्स प्लस वन है तो हमने क्या करना है कि एक्स प्लस वन को जीरो पुट कर देना है। ठीक है, टेक एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। फिर जहाँ से हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, वो कैसे, किसके साथ, जो भी नंबर प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है या मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, जो भी है उसको दूसरी साइड ले जाना है। मतलब हमने जहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमने एक्स जहाँ पे रहने देना है, जे प्लस वन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन। ये जो एक्स की वैल्यू है ये हमने इक्वेशन वन में पुट कर देना है। जैसे पी एक्स है ना, तो पी एक्स की जगह माइनस वन। इसी तरह से एक्स क्यूब है तो माइनस वन क्यूब, प्लस 3 × x² है प्लस 3 × -1² प्लस 3x है प्लस 3 × -1। ये प्लस वन है, इसके साथ एक्स नहीं है तो ये एज इट इज़ लिख देना हमने। ठीक है ना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस वन क्यूब। तो माइनस वन क्यूब का मतलब है कि माइनस वन जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन इंटू माइनस वन। तो करो हम मल्टीप्लाई बेटा, देखो माइन पहले साइन देखेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, वन इंटू वन वन, अगेन वन इंटू वन वन, यानी कि माइनस वन आंसर आएगा इसका। तो हमने माइनस वन क्यूब की जगह माइनस वन लिख दिया। प्लस 3 × अब माइनस वन स्केयर है तो माइनस वन स्केयर मतलब माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस वन। तो माइनस माइनस प्लस वन वन जा वन, मतलब माइनस वन स्केयर की जगह हमने वन लिख लिया। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई, इधर पावर कोई नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले साइन देखेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 + 1। वैसे ही अब ध्यान से देखें हम तो माइनस वन प्लस 3 × 1 जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 3 × 1 = 3 माइनस 3 + 1। अब माइनस वन प्लस वन जीरो था ना, मतलब ये आपस में कट गया। प्लस 3 - 3 ये भी जीरो बनता है, 3 - 3, तो इसका मतलब इसको भी हम काट देंगे, इक्वल नंबर है ना, प्लस माइनस कट जाएंगे तो आंसर आ गया जीरो। हेयर रिमाइंडर इज जीरो, मतलब कि एक्स प्लस वन के साथ इसको अगर इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो जीरो होगा। इसी प्रकार एक और सम मैं समझाने जा रहा हूँ बेटा, एक्स प्लस पाई। अब हम एक्स प्लस पाई को जीरो पुट करेंगे, ठीक है ना। पाई एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन अभी हमने वो आता है जब एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो तब। अब हम डायरेक्ट करेंगे, प्लस पाई को उधर ले जाएंगे माइनस पाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई। तो हम क्या करेंगे इसी इक्वेशन वन में, क्योंकि सेम इक्वेशन थी ना पाँचों के लिए, तो उसी में हम एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई पुट करेंगे। तो पी एक्स है यानी कि पी इंटू माइनस पाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पाई क्यूब प्लस 3 × -π² है ना। प्लस 3x है तो प्लस 3 × -π + 1। अब माइनस पाई क्यूब यानी कि माइनस पाई जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई, जैसे माइनस वन को किया तो माइनस वन आया, तो जो ये माइनस पाई क्यूब, इसी तरह से जे 3 × -π² माइनस प्लस माइनस माइनस 3 × π = 3π + 1। अब हम पाई की वैल्यू तो है नहीं, कांस्टेंट नंबर है, तो मतलब यही रिमाइंडर आएगा हमारा जब हम एक्स प्लस पाई के साथ इसको इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो सिमिलरली बेटा जो बाकी 3 सम है जो आपने खुद करके देखने हैं, और इसी प्रकार इसी एक्सरसाइज का सेकंड सम है वो भी सिंपल सिंपल है, और इसी तरह करना हमने। फाइंड द रिमाइंडर
व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो बेटा आपने क्या करना है, एक्स माइनस ए को भी ऐसे जीरो पुट कर लेना, पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, उधर जाके क्या होगा प्लस ए। अब हमारे पास पी एक्स क्या थी इक्वेशन, ये है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर और प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, प्लस सिक्स एक्स माइनस ए। तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह ए पुट कर देना, यानी कि ये होगी पी ए। सेम पिछला एक्स की जगह क्यूब माइनस ए इंटू एक्स की जगह ए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स की जगह ए माइनस ए। तो मतलब ये बन गया ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर टू, और जे वन ऐड हो जाएगा थ्री आ जाएगी ना, प्लस सिक्स ए माइनस सिक्स। तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब ये आपस में कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, सॉरी जहाँ पे ए था सिक्स नहीं ए था, जहाँ पे सिक्स ए माइनस ए वन ए कितना हो गया फाइव ए, ये हमारा रिमाइंडर है। ऐसे करना बेटा, ठीक है, बाकी सब करके देखना बेटा।